लाभ प्राप्त होता है। सही रहा है। यम की पूजन के उपरांत चित्रगुप्त, चूंकि उनके हम कहें तो पर्सनल सचिव है ना, उन्हीं का सारा लेखा जोखा चित्रगुप्त भगवान देखते हैं, और वो लेखा जोखा हम लोगों का होता है, सामान्य मनुष्य लोगों का होता है, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसे फल की प्राप्ति को कराते हैं। पुण्य होंगे तो वही स्वर्ग मिलेगा, और अगर पाप होंगे तो नरक की यातनाएं भोगना है, ये चित्रगुप्त भगवान करते हैं। तो यदि हम यम का पूजन करने के उपरांत चित्रगुप्त भगवान की भी पूजन करते हैं तो कभी जीवन में हमें कष्ट नहीं भोगना पड़ता है। देखिए, मेरा ऐसा कहना है कि स्वर्ग और नरक यही पृथ्वी लोक पर ही है, जो हम कष्ट पा रहे हैं यही नरक है, और जो हम सुख पा रहे हैं यही हमारा स्वर्ग है। तो इसलिए भगवान का पूजन करने से हमें वो सब प्राप्त तो होता चला जाता है। पूजन कैसे करना है, जैसे आपने यम भगवान के लिए दीपक प्रज्वलित करा था, इसी प्रकार चित्रगुप्त भगवान की अगर आपके पास फोटो मूर्ति जो भी हो ना हो तो एक कलश ले लीजिए, कलश भी ना हो तो एक सुपारी ले लीजिए, सुपारी पे भगवान का स्मरण करिए, भगवान कलश पे स्मरण करिए चित्रगुप्त भगवान का, वहां एक शुद्ध घी का और एक सरसों के तेल का, दो दीपक आपको प्रज्वलित करना है, शुद्ध घी का और सरसों के तेल का दीपक जलाइए, सर्वप्रथम उन दीपकों का पूजन करिए, क्योंकि वो कर्म साक्षी है, हम ये कर्म कर रहे हैं यही हमारे साक्षी हमारी गवाह देंगे। तो आपको दीपक का पूजन करें, एक पुष्प अर्पण करें, उसके उपरांत चित्रगुप्त भगवान का सांगोपांग, पंचोपचार, षोडोपचार यथा विधि, मानसिक अगर आपको पूजन नहीं आती है, हर व्यक्ति संभव नहीं पूजन कर पाए, इसलिए मानसिक भी आप कर सकते हो, पुष्प लीजिए, भगवान को पुष्प अर्पण करिए, जल चढ़ाइए, भोग लगाइए, और चित्रगुप्त भगवान के उस दिन पूजन करिए, ध्यान करिए, मंत्र आते तो मंत्र बोलिए, चालीसा आते चालीसा बोलिए, और इस दिन भगवान का पूजन करने से उसके उपरांत सायंकाल आप भगवती महालक्ष्मी का पूजन करिए, ऐसा कर्म करते हैं, ऐसी पूजन करते हैं, तो आपको उस पूजन का फल अवश्य प्राप्त होगा। श्री राम।